इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एटोरवा 5mg टेबलेट्स के बारे में। एटोरवा 5mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने का यूज किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। एटोरवा 5mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप ही अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं एटोरवा 5mg टेबलेट, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करें, इसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी MRP 128.75 यानी कि 128 रुपये करीब इसकी MRP है। एटोरवा 5mg टेबलेट्स को जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एटोरवा 5mg टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है एटोरवास्टेटिन 5mg टेबलेट्स। एटोरवा 5mg टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना और हार्ट अटैक के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है हाई कोलेस्ट्रॉल में और हार्ट अटैक से बचाव के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबलेट्स का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को घटाने और हार्ट रोग के जोखिम को कम करने के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एटोरवा 5mg टेबलेट्स का डोज और डोजेंस की बात करें तो इसका डोज और डोजेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना, आपके कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए। इसका डोज और डोजेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप उसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किए जा रहे हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि इसके ओवरडोज लेने इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि एटोरवा 5mg टेबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको पेट में दर्द होना, अपच होना, डायरिया, दस्त होना, जोड़ों का दर्द होना, मिचली आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एटोरवा 5mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। एटोरवा 5mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स एटोरवा टेबलेट्स। एटोरवा 5mg टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि एटोरवास्टेटिन 5mg टेबलेट्स, वो एक लिपिड लोअरिंग दवाई यानी कि स्टेटिन है। यह दवा बॉडी द्वारा कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए नेसेसरी एंजाइम्स SMGCOA रिडक्स को ब्लॉक करने का काम करती है। इस प्रकार ये खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, जिससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL का स्तर इंक्रीज हो जाता है। एटोरवा 5mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करी। अपने मन से एटोरवा 5mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी। तो एटोरवा 5mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो नहीं कमेंट सेक्शन में बताएं, अदर पर डिस्कशन में ईमेल दिए वहाँ पर बताएं। एटोरवा 5mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज लेता है। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।